हाँ भैया, तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर इन। और गाइस, तो अब तक हम लोगों ने 5 टॉपिक के ऊपर तो डिस्कस कर लिया, और आज हम बात करने वाले पोकेडेक्स और इंटरमेसी या फिर पॉपिन से दोनों टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले। और जो भी चैनल पर नए हैं उन सबके लिए मैं बता दूं, मैं एक नया टो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। हाँ, टीनर टू लीजर वाला सीरीज। अगर आप लोग ये वाला गेम खेलते हो पोकेमॉन इवोल्यूशन, तो आप सभी के लिए ये सारे के सारे सीरीज ना, मतलब पूरा सीरीज ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, खुद के पोकेमॉन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो फिर सीरीज का एक भी एपिसोड मिस मत करना। बस एक बार देख लिया करो, तो कुछ तो ऐसा होगा जो आपको पता नहीं होगा। आप उससे आप लोग अपने पोकेमॉन को या फिर खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। और पहले तो सॉरी सभी को कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ, मतलब एक हफ्ते तक मैं वीडियो में डाल ही नहीं पाया, मतलब इस सीरीज़ के ऊपर, और आज जाके मुझे टाइम मिला है। और आज का टॉपिक जो है ना, पोकेडेक्स और इंटरमेसी, भाई थोड़ा बोरिंग तो टॉपिक है, लेकिन गाइस अगर आप लोग सोचा कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान दूंगा, सिर्फ इंटरमेसी बढ़ूंगा या फिर सिर्फ पोकेडेक्स बढ़ूंगा या फिर मतलब इफर्ट वैल्यू ज़्यादा दूंगा तो फिर पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ गेम के अंदर मिला के भाई आप लोग स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, ठीक है। एक चीज़ के ऊपर आप लोग ध्यान दोगे तो फिर घंटा कुछ भी नहीं होगा, आप मतलब बेकार प्लेयर, मतलब बेकार ही प्लेयर रहेगा, ठीक है। ऐसे ही तो हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। और इसलिए आज हम बात करने वाले दोनों के टॉपिक के ऊपर। दोनों टॉपिक ज़्यादा बोरिंग तो है गाइस, लेकिन क्या कर सकते हैं गाइस, तो सीखना तो पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्ट्रॉन्ग तो बन पाओगे ना। तो चलो ज़्यादा बकवास ना करते हैं, हम लोग टॉपिक भी स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो हमारा पहला टॉपिक है इंटरमेसी। आप लोग यहाँ पे देखो, आप लोग अपने किसी भी पोकेमॉन के ऊपर आ जाओगे, जैसे कि यहाँ पे अल्ट्रा का भी यहाँ पर आ जाते हैं, उन पर ऊपर आप लोग को ये ऑप्शन मिलेगा इंटरमेसी, यहाँ पर प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे ये है क्या चीज़ भाई, ये इंटीमेसी, और इससे होता क्या है इंटीमेसी, साफ साफ बताओ तो आपके पोकेमॉन और आपके बीच में भाई बॉन्ड मतलब अच्छा खासा करता है। वो तो एनएमी की बात है, लेकिन गेम के अंदर क्या होता है, गेम के अंदर आपका पोकेमॉन का पावर इंक्रीज करता है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा इंटीमेसी का लेवल देखते तो अल्ट्रा का 96, और 96 से यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अल्ट्रा का डिटेल से आ जाऊँगा। तो 96 लेवल से मेरा अल्ट्रा का एच पी जो है वो 1772 हो चुका है, और बाकी सब कुछ अगर मैं देख सकते हो, स्पीड 676 से इंक्रीज हो चुका है लेवल 96 से। और ये 96 से जब 97 पे चले जाएगा, तब देखो यहाँ पे 1700 से हो जाएगा 1804, तो कितना ज़्यादा बढ़ गया आप लोग यहाँ पर सोच सकते हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका ना। तो आप लोग इंटीमेसी बहुत तरीके से बढ़ा सकते हो। इंटीमेसी आप लोग यहाँ पे टच करके, जैसे कि यहाँ पे पेट को मतलब सहला के ऐसे बढ़ा सकते हो 10 बार, ये दिन में मतलब बढ़ा सकते हो, हर दिन में 1 घंटे में भाई एक बार मतलब सहला सकते हो, तो 10 घंटे के 10 बार, तो हर दिन में शायद 20 बार आप लोग अप्रोक्स ऐसे ही कर सकते हो, 20 से ज़्यादा मतलब 22 बार 24 बार ही कर सकते हो, ठीक है। तो 24 बार पॉसिबल तो सबके लिए नहीं होता, सब लोग शायद 10 बार ही करते हैं या फिर 15-20 बार करते ही है। और उसके बाद आता है ये मतलब पॉफिट्स फिट खिलाना, मतलब ये पॉफिन्स नहीं है, पॉफिन्स तो ये है, और ये कैंडी वगैरह केक वगैरह कुछ कह सकते हो आप लोग, ये केक खिला कर भी आप लोग इंटीमेसी बढ़ा सकते हो। तो ये केक होता है 4 तरह के, यहाँ पे 3 देख सकते हो, और यहाँ पे एक और केक है ये वाला केक, ठीक है। तो मैं आपको सभी को इंटीमेसी का पावर कैसे बढ़ता है चलो वो आपको एक झलक दिखा देता हूँ, जैसे कि ये लूगिया या फिर किसका करो, ओप्पा का कर देते हैं यहाँ पे। चलो ओप्पा का मेरा इंटीमेसी शायद 0 ही होगा, अरे 22 साहब बहुत ही ज़्यादा है, और कायगुड़ का सही 0 है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। तो 0 पे यहाँ पे देखो मेरा घंटा कुछ भी नहीं इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे 0 लेवल से एच पी 0 सब कुछ यहाँ पे 0 है, जब 0 से ये लेवल 1 पे आ जाएगा तब यहाँ पे देख सकते हो, तो एच पी का ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होता है इंटरमीडिएट पे, एच पी देख सकते हो, तो लेवल 1 पे हो जाएगा 6 HP। और आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना एच पी 2058 है, ठीक है। तो मैं इसका इंटरमीडिएट लेवल 1 करता हूँ जल्दी जल्दी। और यहाँ पे देखो एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैंने नहीं बताया, इंटीमेसी लेवल 1 के लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1000 पॉइंट, सिर्फ 1000 पॉइंट, लेकिन आप लोग जितना भी इसको लेवल अप करोगे उतना आपको ये डिमांड बढ़ता ही रहेगा। आपको मैं करके देता हूँ, जैसे कि ये 1500 पॉइंट में इसको ले जाता हूँ, तो 1000 तो प्लस ही है हो जाएगा, बहुत बढ़िया, यहाँ पर देख सकते हो उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसका भी रीज़न मैं एक अलग है वो मैं बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। तो लेवल 1 पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे एच पी कितना था, लेवल 6 से बढ़ गया जाए, शायद यहाँ पे 2058 था, तो अभी यहाँ पे हो चुका है 2064 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंटीमेसी का लेवल भी यहाँ पे हो चुका है 1, और अभी लेवल 2 के लिए कितना चाहिए 1320। तो अब जितना आप लोग लेवल अप करोगे उतना भी डिमांड यहाँ पे बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो लेवल 2 से क्या होगा, एच पी बढ़ जाएगा 6 से 12, भाई देख सकते हो, मैंने जैसे कि मैंने पहले कहा एच पी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, तो एच पी यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ तो हो ही रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 93 या 6 था, तो 96 से 97 के लिए कितना चाहिए मुझे 91,130। तो देख सकते हो जितना आप लोग लेवल इंक्रीज़ करोगे उतना अच्छा भी है और बुरा भी है, मतलब अच्छा तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ही है,
और बुरा क्या है, आपको ज़्यादा और केक वगैरह खिलाना पड़ेगा या टच करना पड़ेगा। और आप लोग एक और तरीके से यूनिवर्सिटी बढ़ा सकते हो, आप टूर पे जाकर पोकेमॉन को टूर पे भेज के आप लोग यूनिवर्सिटी बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं क्लैंप पे वन क्लिक कर दूंगा तो सारे पोकेमॉन फिर टूर पे वापस आकर फिर से दोबारा टूर पे चले जाएंगे और 8 घंटे के लिए चले जाएंगे। तो फिर हर दिन के आप लोग 3 बार टूर पे भेज के और वापस बुला सकते हो। 3 बार सबके लिए पॉसिबल नहीं है, शायद 2 बार ही सब लोग कर सकते हैं, मेरी तरह मैं भी 2 बार ही कर सकता हूँ और नहीं कर सकता। और आप लोग इसको जब चौक क्लैंप बाई कर सकते हो, मतलब अगर 8 घंटे से पहले आप लोग गेम ओपन कर दे, शायद आप लोग सोचो कि 1 घंटा बचा है, आप लोग 7 घंटे के बाद गेम ओपन कर लो तो फिर भी आप लोग क्लैंप बाई ऑन क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे देख सकते हो फिर से टाइम उस वहाँ पे स्टार्ट हो गया, 7 घंटे 59 सेकंड एंड 56 सेकंड्स वही फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जितना भी आप लोग जितना पहले कलेक्ट करोगे उतना ही कलेक्ट भी आपका पॉइंट उतना ही कलेक्ट होगा। और मतलब आप लोग को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो चलो किसके ऊपर आ जाए, यहाँ पर राइकोज के पास आ जाते हैं इंटरमेसी, यहाँ पे इंडिया से यहाँ पे ध्यान रखना 61,563। तो मेरा राइकोदा टूर पे है तो 63 यहाँ पे मैं फिर से इसको बुला लेता हूँ, तो 63 से अभी ये हो चुका है 66 हो चुका है, 3 से बढ़ गया। तो जब भी मैं यहाँ पे टूर क्लैंप बाई वन क्लिक लगा फिर से वापस आकर फिर से टूर पे 8 घंटे के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो ये फीस भी आप समझ गए और बाकी ये चारों के चारों केक्स का काम भी समझ लेते हैं। केक्स तो भाई आपको नॉर्मली मिल जाएगा, ये दोनों केक्स तो आपको मतलब रैंडमली मिल जाएगा, ये केक थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब 3 लेवल्स का केक है, ये लेवल 1 का केक है, ये लेवल 2 का कह सकते हो या फिर मीडियम रेंज कह सकते हो, और ये बहुत ही हाई लेवल बहुत ही बेस्ट केक है। और लेकिन इससे बेस्ट केक तो गाइस ये है, लेकिन आप लोग अब समय मतलब पूछोगे मुझसे क्योंकि क्यों इसका पॉइंट है 5 है, इसका पॉइंट तो 1000 है, तो ये बेस्ट कैसे हुआ? तो क्योंकि गाइस इन सारे केक को लेने के बाद हर दिन पे लिमिट है। तो जैसे कि मैंने ये केक इसको ले लेता हूँ, चलो ये कितना मैं स्किप करता हूँ वीडियो थोड़ा, तो गाइस अभी देखो यहाँ पे, और मैं केक इसको नहीं खिला सकता, उसके लिए चाहिए मुझे VIP 7, मेरा VIP 5 है, इसलिए शायद मैं 15-20 बार मैंने इसको केक को यहाँ पे खिला पाया। ठीक है, तो अभी और कोई भी केक में इसको खिला नहीं पाओगे क्योंकि ये तीनों केक्स का ना हर दिन एक लिमिट है, उसके बाद आप लोग अगले दिन फिर से खिला पाओगे। लेकिन ये जो केक है इस केक को आप जितना चाहो अनलिमिटेड भाई खिला सकते हो, अनलिमिटेड जितना भी आपके पास है उतना सारे के सारा आप लोग एक दिन में खिला सकते हो, जितना भी आपके पास होगा उतना ही खिला सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों केक का कमजोरी तो बस यही है, आप लोग ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। और ये दोनों केक तो भाई रैंडमली आपको मिल जाएगा, और ये केक आपको मिल जाएगा मैगरोना और लुगो इवेंट पे, यहाँ पे अभी चल रहा है लुगो इवेंट, आप लोग यहाँ से खरीद सकते हो केक। और मैं यहाँ पे केक ही अभी तो खरीदता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो बहुत कुछ खरीद सकते हो, आपको जो भी चाहिए आर्च एनर्जी चाहिए तो आर्च खरीद सकते हो, एवर वैल्यू चाहिए तो एफर्ट खरीद सकते हो, फिर और मतलब एक्सपी कैंडी चाहिए एसपी कैंडी खरीद सकते हो, फिर आपको यहाँ पे पॉफिन्स एरा पॉफिन्स एडवांस पॉफिन्स अभी 80 पे आपको 2 मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से ये वाला केक खरीद सकते हो 5000 पॉइंट वाला केक। और आपको मैंने एक और जो चीज़ दिखाया उसका केक का नाम क्या है, यहाँ पे जो भी इसका नाम है, ये वाला केक आपको बनाना पड़ेगा। और अगर आपको VIP 0 है, मतलब सॉरी ये तो VIP से नहीं है, मैं ना क्या बोल रहा हूँ, और अगर आपके पास मतलब ये नहीं है, यहाँ पे जो कल्टीवेशन हाउस, यहाँ पे कल्टीवेशन के अगर आपको कोई भी किसी को भी खरीदना है, आपको 3 कल्टीवेशन यहाँ पे कैरेक्टर मिलेगा, मिस्टी ब्लॉक और यहाँ पे इसका नाम क्या है भाई, लिली मिस्टी ब्लॉक और लिली। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ लिली को ही खरीदना, और लिली को एक क्यों खरीदना है उसके ऊपर एक अलग से मैंने वीडियो बना के रखा है, क्योंकि इन दोनों का भी मतलब वही काम है। लेकिन लिली ये सबसे देखो आप लोग ये समझ लो कि ये लेवल 1 का है, ये लेवल 10 का है एंड ये लेवल 50 का है, आप लोग ऐसे समझ लो तो फिर आपको फ़ायदा क्या होगा, लेवल 50 का ही खरीदना ज़्यादा फायदा होगा बंद होगा ना, लेकिन इन दोनों का प्राइस कम है, जैसे इसका प्राइस 500 है एंड फिर ब्लॉक का शायद 3000 पॉइंट था, ब्लॉक का हाँ 3000 है, और फिर लिली का था 10,000 डायमंड्स। तो आपको थोड़ा तो मेहनत तो गाइस करना पड़ेगा और डायमंड पे वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग स्ट्रॉन्ग तो बन पाओगे ना, तो आप लोग 10,000 डायमंड वेस्ट करके आप लोग लिली खरीद देना, उसके बहुत ज़्यादा फायदे है गाइस। तो उसको वीडियो तो है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इससे आप लोग हर दिन मतलब 24 घंटे पे आप लोग शायद 10 ये वाला केक बना सकते हो। और आप लोग किसी कैरेक्टर को भी मतलब नहीं खरीदोगे, कल्टीवेशन हाउस आप लोग एक्टिवेट नहीं करोगे तो फिर आप 24 घंटे में सिर्फ एक केक बना पाओगे, और आप लोग एक्टिवेट करोगे तो फिर आप 24 घंटे में 10 केक बना पाओगे, मतलब लिली से तो 10 में बना सकते हो, बाकी ब्लॉक और मिस्ट्री तो मैंने कभी खरीदा नहीं, मुझे नहीं पता उन दोनों का। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आप लोग यहाँ तक तो पूरे तरीके से समझ चुके हो इंटीमेसी है क्या और बढ़ाना कैसे बढ़ाना पड़ता है और बढ़ाने से होता क्या है। ठीक है, और अभी आते हैं पॉफिन की तरफ। देखो पॉफिन्स अनलॉक होता है जब लोग आप लोग इंटीमेसी आप लोग किसी भी पोकेमॉन का लेवल 30 करोगे, लेवल 30+ करके तो फिर आपका पॉफिन से अनलॉक हो जाएगा। जैसे मेरा होप्पा का लेवल है 22, तो ये पॉफिन से देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट ये ओपन भी नहीं हो रहा है, दिखा रहा है लेवल 30 चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे पॉफिन वाला जो है ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे किसी पोकेमॉन का आ जाएगा फिर यहाँ पे पॉफिन से आ जाएगा। पॉफिन
ये इंटीमेसी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब दोनों सेम ही है, इंटीमेसी पॉपिंस दोनों सेम ही है, मतलब दोनों एक ही जगह पे मिलता है इसलिए मैं कह रहा हूँ सेम ही है, लेकिन पॉपिंस ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे केक्स वगैरह चाहिए। और यहाँ पे पॉपिंस मेरा यहाँ पे देख सकते हो एच पी ये वाला केक से 2075 मेरा एच पी ये वाला केक से इंक्रीज हो गया। फिर यहाँ पे स्पीड यहाँ पे देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, अटैक अटैक डिफेंस मतलब और भी जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ पे देख ही सकते हो आप लोग। और अभी ये दोनों भाई बहुत ज़्यादा चमक रहा है, तो मतलब ये दोनों में और भी ज़्यादा यहाँ पे मैक्स में मैक्सिमम लेवल तक कर सकते, तो लेकिन ने किया नहीं है क्योंकि ये मेरा अल्ट्रा जो है मतलब फिजिकल अटैक टाइप है और फिजिकल मतलब डिफेंस भी है, तो ऊपर ये स्पेशल स्पेशल अटैक और स्पेशल डिफेंस ने दिया नहीं है, बस इसका ही रीजन है, ठीक है और कोई नहीं है। अब चाहता दे ही सकते हो। और अभी आते हैं पॉपिंस का, आपको केक कहाँ से मिलेगा, आप लोग सब कुछ क्रॉस कर देना, फिर इवेंट पे आ जाओगे, इवेंट पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे रिफाइंड इंटरेस्ट पे आ जाओगे, फिर आप लोग आ जाओगे यहाँ पे आयरन मैन जो भी इसका नाम है यहाँ पे आ जाओगे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, आप लोगों को यहाँ से रैंडमली केक्स मिल जाएगा, यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल 1 पे आप लोगों को ये केक्स मिलेगा, केक का भी लेवल यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है यहाँ पर देख सकते हो केक का भी लेवल यहाँ पे 1 है। फिर यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल जितने आप लोग बड़ा हो गए उतना आपको केक का लेवल ज़्यादा मिलेगा, लेवल 2 का केक है। फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेवल 6 तक मैंने पार कर पाया इसलिए मैंने यहाँ पे ये यहाँ पे स्किप कर सकते हो यहाँ तक ही। और यहाँ पे इसके मतलब ये फ्रूट्स का भी लेवल है 5, ठीक है। और आपको ये फ्रूट के बाद एक और पॉफिन चाहिए, उसका नाम ही पॉफिन, और पॉफिन से आप लोग एक केक बना सकते हो, ये रहा फ्रूट और ये रहा पॉफिन ओरिजिनल पॉफिन, इन दोनों दोनों को मिला के आपको ये वाला पॉफिन मतलब बनाया, ये लेवल सी प्राइस स्पाइसी फ्रूट, फिर यहाँ पे ये वाला स्पीड वाला है सॉल्टी फ्रूट, आप लोग ये सारा फ्रूट आप लोगों को बनाना है ये पॉफिन और ये वाला फ्रूट मिला के, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखाया था जैसे कि यहाँ पे अल्ट्रा के ऊपर आ जाएंगे, फिर इंटीमेसी पे आ जाएंगे, फिर पॉफिन्स पे आ जाएंगे, अरे आ जाए भाई पॉफिन्स पे, तो यहाँ पे स्पेशल डिफेंस पे आ जाएंगे। और यहाँ पे प्रेस पे मैं प्रेस करूँगा मतलब प्लस पे प्रेस करूँगा, उसके बाद देखो यहाँ पे 30 केक्स चाहिए और 14 मुझे ये चाहिए मतलब अंगूर चाहिए जो भी इसका नाम है, यहाँ पे इसका नाम क्या है भाई जो भी इसका नाम है बहुत बड़ा नाम है इसलिए मैं नहीं पढ़ा, आपको यहाँ कॉम्बाइन करना पड़ेगा, कॉम्बाइन के लिए आपको पैसे भी चाहिए गोल्ड कॉइन, तो मैं कॉम्बाइन करने के बाद हो गया और यहाँ पे फिट कर देगा तो फिर यहाँ पे मेरा 30 से इंक्रीज़ हो जाएगा स्पीड, ठीक है 190 मतलब स्पेशल डिफेंस 30 से इंक्रीज़ हो गया 195 हो गया, 165 था शायद और 95 हो गया, ठीक है। और एक और चीज़ लेवल 1 लेवल 2 का भी मेरा काम समझा था, जैसे कि हमारे एच पी यहाँ पे देख सकते हो ये स्टेज जो है लेवल 1 है, मतलब लेवल 1 का लेवल जब आप क्लियर करोगे आपको यहाँ पे ये केक मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पे ये खड़े मतलब खिला से खिला के लेवल 1 तो हो गया, फिर आपका लेवल 2 पे हो जाएगा, ये लेवल 3 ये लेवल फिर ये लेवल 4 है, फिर ये लेवल 5 है, ठीक है। और लेवल मैंने 6 यहाँ पे अनलॉक मैंने नहीं किया जैसे कि मैंने दिखाया मैंने, फिर इवेंट पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे यहाँ पे टिपिकल लेवल 5 तो दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे मुझे मिल रहा है आप ये फ्रूट्स का लेवल 5 ही, इस पे भी देखो लेवल टिपिकल लेवल 5 पे भी मुझे लेवल 5 का मिल रहा है और टिपिकल लेवल 6 पे मुझे लेवल 5 का ही मिल रहा है, मतलब यहाँ पर टिपिकल लेवल 7 पे मैं जब मैं पहुँचूंगा मुझे शायद लेवल 5 का ही मिलेगा, अरे भाई यहाँ पे भी 5 का ही है तो शायद इसको भी कंप्लीट करने के बाद इस पे शायद मिल जाएगा, टिपिकल लेवल 8 पे शायद मुझे 6 का मिलेगा, उसके बाद ही मैं और भी ज़्यादा प्रॉफिट में इंक्रीज़ कर पाऊंगा, ठीक है। इसलिए मेरा वहाँ पे भी स्टॉप करके रखा हुआ है और मैं कर भी नहीं सकता इंक्रीज़, मतलब मैक्सिमम मेरा हो गया, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आप सभी समझ चुके हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना मुझे बस कमेंट करके पूछ लो या फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, लिंक तो डिस्क्रिप्शन पे ही, आप चाहो तो वहाँ पे ही मुझे पूछ सकते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई तो दे दूंगा, वहाँ पर जब भी मैसेज करूँगा मैं उसको भी रिप्लाई दे दूंगा, थोड़ा लेट होता है लेकिन रिप्लाई तो मैं दे दूंगा, मतलब ये ज़्यादा समझने का कुछ है भी नहीं है, बहुत ईजी है, बस यहाँ पे टच करते रहो केक खिलाते रहो यहाँ पे ये पॉपिस बढ़ाते रहो, लेवल 30 के बाद डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते रहो तो फिर आपको और ज़्यादा केक मिलेगा, केक से आप लोग यहाँ पे खिलाते रहो तो फिर और भी ज़्यादा पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा, एचपी बढ़ता रहेगा, बस ये बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आई होप समझ चुके हो और अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओ गाइस तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोकेडेक्स, पोकेडेक्स भी थोड़ा तो बोरिंग जैसा टॉपिक है लेकिन गाइस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब मैंने किसी पर आ जाऊँगा पोकेमॉन के अंदर पोकेडेक्स पर आ जाऊँगा सबसे बड़ा लास्ट ऑप्शन, और इसका पोकेडेक्स लेवल देख सकते हो 29 और 29 से हो क्या रहे देखो एच पी 1173 भाई, बाकी सब देख सकते बहुत ज़्यादा इनकी स्पीड देखो 1032 भाई, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल तो हो गया ना आपका पोकेमॉन। और आप लोग अगर किसी भी जीरो लेवल के पोकेमॉन के अंदर आ जाएगा पोकेडेक्स जैसे कि इसका साइज जीरो होगा, हाँ इसका जीरो है, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं इनकी हो रहा, सब कुछ में 000 और किसी भी लेवल 1 के ऊपर आ जाओगे इसका पोकेडेक्स लेवल 1 है, और यहाँ पर लेवल 1 का देख सकते तो इतना सा लेवल 1 पे ही एच पी 28 बढ़ गया, मतलब सोचो भाई आप अपने देख लिया लेवल 29 पे क्या हो गया भाई, बहुत ही ज़्यादा कमाल धमाल हो गया। और ये पोकेडेक्स का एक और प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं, और पोकेडेक्स को आप 3 हिस्से तक डिवाइड करना, लेवल 1 से लेकर लेवल 20 तक, लेवल 21 से लेकर 30
50 तक और 30 से लेकर 40 तक तीन पार्ट में आप लोग डिवाइड करना, क्योंकि लेवल 1 से लेकर 20 तक बहुत ही ज़्यादा पोकेडेक्स ईजी होता है। आपको नॉर्मल मेटल चाहिए, जैसे कि आप पोकेडेक्स में आ जाऊंगा, और पोकेडेक्स इंक्रीज करने के लिए आप लोग यहाँ पे ये सारे के सारे मेटल चाहिए। ठीक है, मेटल के ऊपर यहाँ पे प्रेस करूँगा, और प्रेस करने के बाद इसके ऊपर प्रेस मेटेरियल हमें कहाँ मिलेगा, एडवेंचर मिलेगा। आप लोग जैसे कि यहाँ पे लेवल अप करोगे, मतलब एडवेंचर पे एडवेंचर है, इलाइट है, नॉर्मल एडवेंचर पे इलाइट एडवेंचर है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये मेटेरियल चाहिए, और ये मेटेरियल आपको नॉर्मली ऐसे ही मिल जाएगा। यहाँ से देख सकते हो एडवेंचर पे आ जाकर एडवेंचर के बाद यहाँ पे एलाइट एडवेंचर है और नॉर्मल एडवेंचर है। नॉर्मल से ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, फिर एलाइट एडवेंचर पे आपको बुक जैसा दिखने वाला कुछ मटेरियल मिलेगा, शायद यहाँ पे होगा एरा बुक जैसा मटेरियल दिखने वाला ये मटेरियल, और ये मटेरियल आपको नॉर्मली मिल जाएगा। आप लोग गेम खेलते खेलते ऐसे आप लोग कलर कर पाओगे, वो तो लेवल 20 तक है, लेकिन लेवल 20 के बाद होता है थोड़ा मुश्किल होता है। एक और चीज़ है लेवल 20 के बाद, जैसे कि राइकोसर का लेवल शायद 29 है, और 29 को 30 करने के लिए मुझे चाहिए ये तो नॉर्मल मेटेरियल, ये तो चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये तो आपको जैसे कि मैंने कहा मिल जाएगा एडवेंचर पे। लेकिन एक और चीज़ है जो कि है ये क्रिस्टल, साइकिक क्रिस्टल चाहिए, ये चाहिए आपको लेवल 20 से लेकर 29 तक आपको साइकिक क्रिस्टल चाहिए। साइकिक क्रिस्टल लेवल 1, 2, 3, 4, और आप लोग लेवल 20 से लेकर 30 तक भी आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन जैसे लेवल 20 से लेकर 23 तक आपको चाहिए साइकिक क्रिस्टल लेवल 1, फिर 23 से लेकर 28 तक आपको चाहिए साइकिक क्रिस्टल लेवल 2, और शायद मैंने थोड़ा गलत बोला। और इस तरह से आपको साइकिक क्रिस्टल पे लेवल अप की भी ज़रूरत है। आपको मैं सबको अच्छा होगा दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे इवेंट पे आ जाएगा, फिर इवेंट आने के बाद डिफाइन इंटरेस्ट पे आ जाओगे, फिर आप लोग ड्यूएल बिटवीन किंग्स पे आ जाओगे। ठीक है, आपको यहाँ से लेवल डिफिकल्ट लेवल 2 से आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा साइकिक क्रिस्टल लेवल 1, फिर आप लोगों को डिफिकल्ट लेवल 3 पे साइकिक लेवल 2 मिल जाएगा, फिर आप लोगों को यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल 3 पे ये तो अच्छा ये तो 2 है, डिफिकल्ट लेवल 4 पे आप लोगों को मिल जाएगा साइकिक क्रिस्टल लेवल 3, फिर आपको डिफिकल्ट लेवल 5 पे मिल जाएगा साइकिक क्रिस्टल लेवल 6। मतलब 3 से होगा 6, ये 4 होना चाहिए था, लेकिन ये शायद ग्लिच से 6 होगा या फिर डबल ही ऐसा ही है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है ठीक ही है, आपको बस यही चाहिए। ठीक है, लेवल 20 से लेकर 29 तक आपको ये साइकिक क्रिस्टल चाहिए, उसके बाद आपको लेवल 30 से लेकर आपको ये चाहिए, ये जो भी इसका नाम है फर्स्ट क्लास सुपर एनर्जी क्रिस्टल, सुपर एनर्जी क्रिस्टल इसका भी बिल्कुल सेम है, ये भी लेवल 1 का होगा, फिर आपको लेवल यहाँ पे 7, फिर 8, फिर 9, यहाँ पे उसका भी लेवल 2 होगा, लेवल 3, लेवल 6 शायद होगा या फिर 4 होगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा। अभी तो मैं अनलॉक नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पोकेमॉन अभी बहुत ज़्यादा कमजोर है। ठीक है, और मैं यहाँ तक अनलॉक कर सकता तो मैंने यहाँ पे देखिए अनलॉक कर लिया, वैसे कि मेरा पोकेमॉन का लेवल भी अभी 29 है, तो 30 के बाद ही देखेंगे क्या करना है। और एक और बहुत ही ज़रूरी बात, अगर आपका पोकेमॉन का लेवल मतलब 20 हो गया, तो 20 के बाद आपको साइकिक क्रिस्टल चाहिए, और आप लोगों ने यहाँ तक डिफिकल्ट लेवल 5 तक ओपन कर लिया, मतलब साइकिक क्रिस्टल चाहिए, ये सुपर क्रिस्टल की बात नहीं कर रहा, ये सुपर क्रिस्टल ये साइकिक क्रिस्टल है, साइकिक क्रिस्टल 1 से लेकर लेवल यहाँ पे 6 तक साइकिक क्रिस्टल सारे के सारे सेम ही है। और आप लोग सिर्फ और सिर्फ हमेशा साइकिक क्रिस्टल लेवल 6 ही कलेक्ट करना, क्योंकि आप लोग सिर्फ साइकिक क्रिस्टल लेवल 6 से आप लोग साइकिक क्रिस्टल 1, 2, 3 तक, मतलब साइकिक लेवल 1, साइकिक क्रिस्टल लेवल 2, साइकिक क्रिस्टल लेवल 3 सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और वो कैसे मैं आपको जो दिखाया जाता हूँ, देखिए यहाँ साइकिक लेवल 4 मेरे बैक पे शायद पड़ा होगा, देख लेते हैं, यहाँ पे बैक पे आ जाएंगे, फिर मटेरियल पे आ जाएंगे, ये रहा साइकिक क्रिस्टल लेवल 4। तो अगर मैं इसको डिस्पेल करूँगा, एक डिस्पेल करके दिखाता हूँ, तो मुझे डिस्पेल करने से क्या मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो साइकिक क्रिस्टल लेवल 3 2 मिल जाएगा। और चलो मैं इसको एक करता हूँ डिस्पेल, 2 मुझे मिल चुका है, और 2 यहाँ पे चलो मैं ढूंढ लेता हूँ, ये शायद 3 होगा, और 3 को डिस्पेल करने से मुझे साइकिक क्रिस्टल लेवल 2 मिलेगा, लेवल 2 2 मिलेगा। तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया ना, तो लेवल 2 का 2 मिल गया, लेवल 2 का शायद ऊपर आ चुका है, अरे कहाँ चले गया भाई, जो ये रहा लेवल 2 का, और इसको अगर डिस्पेल करूँगा तो साइकिक क्रिस्टल लेवल 1 का मुझे 2 मिलेगा, तो कितना टोटल हो गया, मतलब 4 × 2 = 8 भाई, 8 साइकिक क्रिस्टल मुझे सिर्फ साइकिक क्रिस्टल लेवल 6 से, बाकी साइकिक क्रिस्टल मुझे 8 मिल गए, तो कितना ज़्यादा फायदा होगा देख लिया। इसलिए हमेशा वहाँ पे मैक्सिमम लेवल पे साइकिक क्रिस्टल लेवल पे करना, और आपको का सुपर क्रिस्टल चाहिए सुपर क्रिस्टल भी आप लोग मैक्सिमम लेवल का जितना भी होगा वहाँ पे भी आपको स्वाइप करना, या फिर शायद मेरा तो VIP इसलिए मैं स्वाइप कर सकता हूँ, और आप लोग खेलना पड़ता है तो फिर आप लोग वहाँ से ही आप लोग यहाँ पर बैटल लड़ना अनलॉक करके वो बैटल लड़ लेना और खेल लेना। ठीक है, वही कलेक्ट करना मैक्सिमम लेवल जो कि उसका है वही कलेक्ट करना हमेशा। ठीक है, उससे आप लोग को फायदा हो गया। और इसके बाद सबसे भी जान दीजिए क्या करना है, आपके पोकेमॉन के अंदर आ जाओगे, फिर यहाँ पे डिटेल्स पे आ जाओगे, और चलो मैं इसका लेवल पोकेडेक्स की सब बढ़ा देता हूँ, इसका पोकेडेक्स अभी 28 है, 29 भी कर देते हैं। और हाँ, एक और चीज़ में बताना भूल ही गया, आप लोग एक और तरीके से पोकेडेक्स बढ़ा सकते हो, आप लोग इवेंट पे वही सेम जगह पे आ जाओगे, आने के बाद आपको यहाँ पे एक मटेरियल देख सकते हो, ये मटेरियल पोकेडेक्स मटेरियल 60 आपको मिलेगा, एक स्किप करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्किप कर लेते हैं,
और पोकेडेस में टिका 60 फोटो मिल गया 150, और इससे भी आप लोग आपका पोकेमोन का मतलब पोकेडेस बढ़ा सकते हो। चलो करके देख जाता हूँ, और जिन पे आ जाएंगे फिर यहाँ पे आ जाएंगे। सोचो कि आपका पोकेमोन का वीआईटी खत्म हो गया और आपको अभी तो बढ़ाना है, मतलब जल्दबाजी बिल्कुल ही मत करना। अगर आप लोग सोचो कि अभी बढ़ाना है तो फिर आप लोग यहाँ पे आ जाओगे, फिर रिडीम ऑप्शन पे आ जाओ। रिडीम ऑप्शन के आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो 30 पोकेडेस मटेरियल 60 से आप लोग यहाँ पे एक ये खरीद सकते हो, मतलब ये आईने जैसा दिखने वाला चीज़ मिरर भी कह सकते हो, इसको खरीद सकते हो। और ये 5 के लिए मुझे चाहिए 150, तो यहाँ पे गुंड मतलब आप लोग हिसाब करके यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे एक चलो यहाँ पे खरीद लेता हूँ, तो हो गया मेरा 150 पॉइंट भी एकदम खत्म हो चुका है, ठीक है। और अभी यहाँ पे देख सकते हो मेरा पोकेमोन का पोकेडेस लेवल 28, इसलिए मुझे चाहिए साइकिक क्रिस्टल लेवल 3 और 60 चाहिए, ठीक है। तो इससे आप लोग मैं कॉम्बाइन करके जब मेरा सारे मटेरियल इसमें कलेक्ट हो जाएगा, चलो ये भी कलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे रिडीम पे आ जाऊँगा, फिर यहाँ पे बाय कर लूँगा और ये कलेक्ट हो गया और एक्टिवेट कर दूंगा। यहाँ पे 60 मेरा यहाँ पे कम हो जाएगा, और ये पे देख सकते हो 139 हो चुका है, ठीक है। और इस तरह से आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे भी आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, मतलब आपके पास अगर वीआईटी हो स्किन टाइम यहाँ पे स्वाइप कर लोगे। और मुझे यहाँ पे 4 मेटल ग्लास मिल गया, बहुत बढ़िया, एक बार में गोल्डन मेटल 4 अभी तो बहुत बढ़िया बात है भाई। और उसके बाद बुक का ही बिल्कुल सेम ही काम है, आप लोग यहाँ पे आ जाओगे, फिर यहाँ पे भी आप लोग स्वाइप कर सकते हो बुक से, बुक के साथ आप लोगों को ये मिल गया। फिर आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हो बुक का, फिर से एक और बार स्वाइप करने के लिए 10 डायमंड्स चाहिए, और फिर उसके बाद आप लोग शायद और स्वाइप नहीं कर सकते, आपका वीआईपी लेवल 0 है। फिर आपको दूसरे दिन मतलब 24 घंटे के बाद आप लोग सकते हो यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस पोकेडेस टॉपिक के पास इतना ही था, ज़्यादा लंबा तो टॉपिक नहीं है, ज़्यादा कुछ समझने का भी कुछ नहीं है, ठीक है। पोकेडेस पास इतना ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोग सोचोगे पोकेडेस में बढ़ाऊंगा नहीं, ध्यान नहीं दूंगा, तो फिर पोकेमोन आपका स्ट्रॉन्ग भी नहीं बन पाओगा, मतलब आप लोग कभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर नहीं बन पाओगे, ठीक है। गेम के अंदर जितना भी मैंने टॉपिक मैंने बताया है और बताना भी वाला हूँ आगे, भाई सारे के टॉपिक के ऊपर आप लोग ध्यान दिया करो, तो फिर आप जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग भी बन जाओगे बहुत जल्दी से। और हाँ, एक और बात, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, आप लोग किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करने से पहले मुझे एक बार मेरे किसी भी पोकेमोन रिलेटेड वीडियो के अंदर आके डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट कर लो कि उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है या फिर नहीं। मैंने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, और जो आपको चाहिए मतलब अगर आप बिगिनर्स हो या फिर ओल्ड भी आ रहा हो, अगर आपको जानना चाहते हो तो फिर उसका वीडियो शायद मैंने बना चुका है ऑलरेडी। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, फिर किसी पोकेमोन के ऊपर वीडियो के अंदर आ जाओगे, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाओ, फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको बहुत सारे पोकेमोन रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत कुछ वीडियो वगैरह मिल जाएगा, बस चेकआउट कर लिया करो। और फिर भी आपको ना मिले कि मुझे जानना है किसी और टॉपिक के ऊपर, आप लोग ऐसा लगा कि मुझे उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो फिर मुझे कमेंट करके कह सकते हो, मैं आप भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बस आज का वीडियो तो बस इतना ही, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और आए तो एक लाइक जरूर किया ना। और चैनल से पहले जिस किसी ने भी अभी तो सब्सक्राइब बटन की तरफ देखा नहीं, छुआ नहीं है, समझ के करो मेरे वैसे ऊपर देख के छू के रेट से ग्रे कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस।